शिवांजलि मोइत्रा। बीते कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध वाली स्थिति बन गई है। दरअसल बीते मंगलवार को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई कार्यवाही के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब देने की कोशिश में भारतीय वायुसेना का एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसे में पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे भी सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सेना के समर्थन में एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बड़ा फैसला लेते हुए अपना एक बेहद खास इवेंट रद्द कर दिया है। बता दें कि आज दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में दिलजीत दोसांझ के वैक्स स्टैचू अनवील होना था, जिसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी जानकारी दिलजीत ने ट्विटर पर दी है। दिलजीत ने ट्वीट करके बताया, देश की रक्षा के लिए हमारे जवान कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में तनाव को देखते हुए वैक्स स्टैचू के अनावरण को रीशेड्यूल कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए सलमान, अमिताभ और अक्षय जैसे स्टार सामने आए हैं। खबरों की माने तो शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए बिग बी ने सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए थे। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से ही पूरे भारत में गुस्सा था और लोग जवाबी कार्रवाई देखना चाहते थे।